Hey everyone, welcome back to our YouTube channel. So this is Adi Code Hub. So today in this video, we will learn about big int concept in JavaScript part 1. So इसके दो parts में इसको खत्म करने वाले हैं. So big int क्या है? एक integer जो numbers होते हैं इनके, मतलब ये भी इसमें एक data type ही होता है. So इसको concept को समझना शुरू करते हैं. बिना concept ये समझ आएगा नहीं. So इसको शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं जो मेरा script है उसको बना लेते हैं. ये फालतू चीज़ हटा के script, क्योंकि ये JavaScript है इसलिए सारा काम script में करने वाले हैं हम. और स्क्रिप्ट में करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेते हैं, कोई भी डिव ले लेते हैं एक, और इसके अंदर एक आईडी दे देते हैं. सो आईडी, और आईडी नाम का देते हैं इसका बिग इंट. सो इसको स्मॉल ही रखते हैं, बिग इंट. सो बिग इंट मैंने इसको एक आईडी दे दी, क्योंकि सारा जो भी शो होगा अब यहीं पर होगा, तो हमें ब्राउजर पर जाके इंस्पेक्ट करके इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले चेक करने के लिए एक वैल्यू लेट कर लेते हैं, लेट x. और मैं जो वैल्यू लेट की है x, इसको मैं प्रिंट करवाऊंगा. बेसिकली बिग इंट क्या करता है, हमारे जो हमारे नॉर्मल नंबर्स होते हैं उसे 15 डिजिट तक ही प्रिंट कर पाते हैं, बट जो बिग इंट होता है वो हेल्प करता है 15 से ज़्यादा डिजिट के नंबर को प्रिंट करने में. लाइक मैं यहाँ पे 15 डिजिट नंबर्स ले लेता हूँ. ओके, उससे पहले ही मेरे लाइफ फटाफट होता रहे, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. सो जो मेरी आईडी है यहाँ पे बिग इंट नाम से, बिग इंट, और ये किसके अंदर है, मेरे HTML के अंदर है. सो इनर HTML इक्वल टू, और ये जो मैंने लेट किया है x, उसको प्रिंट कर दिया. नाउ ये काम हो गया. अब मैं इसमें क्या करूँगा, 15 डिजिट तक के नंबर टाइप कर दूंगा. सो गिन के कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो और ये 10. ओके, 10 डिजिट हो गया, सिंपली यहाँ पे प्रिंट हो रहा है. नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना काम ये हो रहा है. ठीक है, तो देख सकते हो मैंने इसको नंबर को और ज़्यादा बढ़ा दिया. तो क्या हुआ इसमें, जैसे नंबर को मैंने और इंक्रीज़ किया अप टू 20 डेज तक का मैंने इसका कर दिया, जैसे मैंने इसको डेज को इंक्रीज़ किया तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ और ही प्रिंट हो रहा है. सो मैं क्या करूँगा, इसका जो साइज़ है ना डिव का, इसको थोड़ा सा हम साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं. सो यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं स्टाइल, और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो कर देते हैं 1.5 em. सो ये मेरे को थोड़ा बड़ा भी दिखेगा. नाउ मैंने क्या किया, ये अप टू 15 इतने नंबर को मेरे को प्रिंट करवाना था, बट इतने नंबर को प्रिंट नहीं कर पा रहा. तो इसी में यूज़ होता है फिर बिग इंट कॉन्सेप्ट. बिग इंट को यूज़ करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. सो पहला तरीका कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक बिग इंट, सो बिग, और ये जो बी है इसको बड़ा लिखना है, बिग और इंट का आई, बिग इंट ब्रैकेट सो कॉर्ड्स, और यहाँ पे कॉर्ड्स साथ इसको एंड भी करना है. तो जैसे मैंने ये बिग इंट का यूज़ किया तो देख सकते हो मेरे यहाँ पे पूरा नंबर प्रिंट हो गया. ये था फर्स्ट मेथड इसको प्रिंट करने का. अब मैं दूसरा मेथड क्या है, इन चीज़ों को हटा दो और इसको भी हटा दो. बिग इंट को और प्रिंट करने का तरीका है कि यहाँ पे सिंपल n लिख दो. ये जैसे मैं लास्ट n लिखा तो देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है. और यहाँ पे क्या करेंगे, और भी चीज़ें टेस्ट कर लेते हैं. यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक डिव और बना लेते हैं जिसकी हम आईडी दूसरी रखेंगे. सो कॉपी पेस्ट पेस्ट. सो इतना करने के बाद इसके जो आईडी हैं वो चेंज करने वाले हैं, यहाँ पे लिख देंगे 1, चलाते हैं यहाँ पे 2. नाउ बेसिकली क्या होता है, जब हम इक्वल और इक्वल का यूज़ करते हैं तभी क्या शो करता है, ये अभी तक कितने डिजिट पे है. सो 10, ये 15 डिजिट के आसपास है. नाउ यहाँ पे मैं एक और करूँगा 15 डिजिट के आसपास, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और 1, 2, 3, 4, 5 ही जगह यहाँ पे लेने वाला हूँ 6. एक 6 ले लिया, अभी के लिए तो मुझे फॉल्स दिखा रहा है. नाउ यहाँ पे क्या करूँगा, इसकी वैल्यू को बढ़ा दूंगा. सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए 5 ले लेता हूँ. अभी के लिए देख सकते हो यहाँ पर 2 दिखा रहा है. सो मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, 6, 7, 8, 9 कर दिया है, और 6, 7, 8, 9, और ये 2 दिखा रहा है. अगर यहाँ पे मैं एक और 9 कर दूँ और यहाँ पे कर दूँ मैं 8, तो देख सकते हो ये मुझे अभी भी 2 दिखा रहा है, क्योंकि नंबर चला गया अप टू 15 डिजिट. तो देख सकते हो मतलब बेसिकली 20 पे जा चुका है डिजिट, और यहाँ पे 2 दिखा रहा है. क्यों, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है, ये मुझे फिर भी ट्रू दिखा रहा है. तो इस चीज़ में हम यूज़ करते हैं बिग इंट का. बिग इंट क्या करता है, यहाँ पे बिग इंट के लिए क्या यूज़ करेंगे, एन का, और यहाँ पे मैंने डाल दिया एन, यहाँ पे डाल दिया. तो देख सकते हो यहाँ पे मुझे फॉल्स दिखा रहा है, क्योंकि इसने अब पूरे के पूरे नंबर को चेक किया है, अप टू 20 डिजिट तक का इसने चेक किया है, और देख सकते हो यहाँ पे लास्ट में चेंज है, इसलिए इसने इक्वल नहीं दिया. वही मैं इसका और इसका हटा तो देख सकते हो ये मेरे को ट्रू दिखा रहा है. ना ये दूसरा टॉपिक था इसका. ना तीसरा टॉपिक आते हैं कि इसका टाइप ऑफ क्या है. टाइप ऑफ पता करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर हमें पता करना है कि ये किस टाइप का है, तो ये इनर डॉट एस्टिमल यहाँ पे लिख देंगे सिंपल,
टाइप ऑफ, टाइप ऑफ किसका, एक्स का। तो जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप ऑफ, तो देख सकते हैं यहाँ पे बूलियन दिखा रहा है, बट हमें ये नहीं, हम क्या करेंगे अभी के लिए बूलियन दिखा रहा है, जैसे मैं इसमें एन एन लगा दूंगा, एन और एन, तो इसको हटाते हैं, तो देख सकते हो अभी बिग इंट दिखा रहा है, तो ये टाइप ऑफ क्या है, बिग इंट है, क्योंकि अप टू 20 डिजिट तक का है ये, इसलिए। सो बिग इंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, और इसमें ये बिग इंट लार्ज लार्ज